अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, इंशाल्लाह उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक ऐलान ये सुन लें कि जब भी आप सवाल करें तो आपके जो सवाल हो बहुत ही मुख्तसर तौर पर और जो पॉइंट्स हैं आपके बस वही लिखा करें, बहुत ज़्यादा तफसील लिखने की कतान ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऐलान यह है कि जब भी आप अपना क्वेश्चन टाइप करें तो साथ में अपना नाम भी लिख दें, क्योंकि आपकी जो आईडी होती है सोशल मीडिया की, जो आईडी होती है उस आईडी पर आपके कोई भी नाम हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप सवाल करें तो नीचे आप अपना नाम, अपने गांव का नाम भी लिख दिया करें। बस ये जो थोड़ी सी जो दो रिक्वेस्ट है इसके ऊपर गौर करें। आते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल हमारे भाई ने किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं नहाने के लिए 50 लीटर पानी का इस्तेमाल करता हूँ। 25-25 लीटर की दो बाल्टियाँ होती है, क्या ये सही है? आगे कहते हैं कि नहाने के लिए कितना पानी यूज़ करना चाहिए, प्लीज़ इसके बारे में भी बतला दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और नहाने का तरीक़ा भी बतलाइए। ये सवाल पूछने वाले हैं अशरफ खान दिल्ली से। देखिए अशरफ भाई, अगर आपने 50 लीटर पानी को इस्तेमाल किया है तो मुझको लगता है कि आप कहीं से भी नापाक नहीं हुए, क्लियर आपके ऊपर पाकी आ चुकी है, क्योंकि गुस्ल करने के लिए इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना जो हद से आगे बढ़ जाए ये भी मुनासिब नहीं है, और अगर बिल्कुल इतना कम, इतना पानी, 2 लीटर आप पानी यूज़ करते हैं तो ये भी मुनासिब नहीं है। गुस्ल में अगर आपको बतला दूँ कि गुस्ल के अंदर तकरीबन 4 किलो यानी 5 लीटर के करीब अगर पानी आपके पास है, 50 लीटर बहुत दूर, अगर 5 लीटर भी आपके पास पानी है और उस पूरे पानी से आपने गुस्ल कर लिया। गुस्ल में होता क्या है, देखिए आपने ये भी पूछा है कि गुस्ल का तरीका भी बतला दे। ये आपका जो सर है ना, सर के बालों से लेकर आपके पैर के नाखूनों तक एक एक हिस्सा अच्छी तरह गीला हो जाए, इतना काम हो गया ना तो समझ लो आपका वजू हो गया। अब 50 लीटर के अंदर 5 लोग भी गुस्ल कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं, जब तक मैं पानी डालता रहूं जब तक के मेरे दिल को यकीन नहीं हो जाता, देखिए अगर 50 तो क्या 500 लीटर का आप यूज़ कर ले तब भी आपके दिल को यकीन नहीं होगा, तो हमारे दिल के ऊपर ना जाए भाई। हमें तो बस शरीयत और सुन्नत पर अमल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल को आप देख ले, आप कितना पानी इस्तेमाल करते थे, ठीक है? बहुत कम पानी इस्तेमाल करते थे, इतना पानी कि जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी अच्छी तरह गीली हो जाए, एक एक बाल गीला हो जाए, आपका गुस्ल हो जाता है। वुज़ू के लिए भी सेम है, आप चारों अज़ा, आपका चेहरा, आपके दोनों हाथ और आपका चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पैर अच्छी तरह धुल जाए और आपके सर का मसा हो जाए तो आपका वुज़ू हो जाता है। इसके अंदर कितना पानी लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर पानी के अंदर आपका वुज़ू हो सकता है, और अगर आप बहुत ही अच्छी तरह गुस्ल करना चाहे तो 5 लीटर पानी, 10 लीटर मान लीजिए, 20 लीटर मान लीजिए, इतने पानी के अंदर आपका गुस्ल बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। फिर भी अगर आप 50 लीटर पानी को यूज़ करते हैं फिर भी आपको यकीन नहीं हो पाता है मेरा गुस्ल सही हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आप इतना कम पानी इस्तेमाल भी ना करें कि आपके पूरे आज़ा अच्छी तरह गीले ना हो, और इतना ज़्यादा भी पानी इस्तेमाल ना करें कि उतने पानी के अंदर 10-10 लोगों के गुस्ल हो जाए, दोनों भी तरीक़े मुनासिब नहीं हैं। मुनासिब बस यही है कि आपकी फुल बॉडी गीली हो गई है या नहीं, यही मैटर करती है। तो उम्मीद है कि जो हमारे पूछने वाले थे अशरफ भाई, आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमारे अल्तमश भाई ने किया है नमाज के ताल्लुक से। वो पूछते ये हैं कि नमाज में 1 या 2 रकात छूट जाए तो कब खड़े होना है, इमाम के दूसरे सलाम फेरने के बाद या जब पहला सलाम। कैसे भाई, अगर
इमाम साहब 4 रकात की नमाज़ पढ़ा रहे थे और आप नमाज़ में पहुंच चुके हैं, आपकी 1 रकात चली गई, 2 चली गई, 3 चली गई, 4 चली गई, जब जितनी भी रकातें आपकी गई है ना, तो जब जिस सूरत और जिस कंडीशन में आप इमाम साहब को पाते हैं बस वहां पर शरीक हो जाए, चाहे इमाम रुकू में हो, सजदे में हो, सलाम फेर रहे हों, तशहुद में, कहीं पर भी इमाम है, बस उनके साथ आपको शरीक हो जाना है। इस बात का इंतज़ार करना कि अब इमाम साहब खड़े होंगे जब मैं उनके साथ शरीक होंगे, ये मुनासिब नहीं है। कोशिश तो हमें यही करनी है कि इमाम साहब के साथ फुल नमाज मिल जाए, 4 रकातें, 2 रकातें मिल जाए, इस बात की कोशिश करनी है। अगर नहीं मिल सकी किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से आप लेट पहुंचे हैं, तो जहां पर भी आप इमाम को पाते हैं उनके साथ आपको शरीक हो जाना है। ठीक है, अजीम साहब का सवाल है, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब एक सवाल ठीक है, एक सवाल और है कि विच रिलीजन हैज़ मोस्ट फॉलोअर्स, तो मैंने इस्लाम पर क्लिक कर दिया। अच्छा, YouTube वगैरह पर जो आते हैं इस तरह के ऑप्शन आते हैं, कोई सा ऑप्शन आप उस पर क्लिक करें और अगर आपका आंसर सही होगा तो वो आपको गुल और फूल पेश करेगा और आपको थम बताएगा, और अगर किसी गलत क्वेश्चन पर, गलत आंसर पर आप क्लिक करते हैं तो फिर आप फेल हो जाते हैं। तो इस तरह का था आपका सवाल था कि कौन सा रिलीजन ऐसा है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, तो आपने इस्लाम पर क्लिक किया लेकिन उसने कोई दूसरा जवाब निकला है, तो उसके बाद में कहते हैं कि मुझे टेंशन हो गई है कि कहीं मुझसे कुफ्र तो नहीं हुआ। बिल्कुल कुफ्र नहीं हुआ, कुफ्र होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वो एक जनरल नॉलेज था, उसके ऊपर आपका कोई एतिकाद, आपका कोई अमल, चाहे आपने इस्लाम पर टिक किया, किसी और पर टिक किया, ये कोई मैटर नहीं करता, एक जनरल नॉलेज था, इसमें आपका अकीदे का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। तो आसिम भाई, मुझको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुफ्र वगैरह के जो ख्यालात आ रहे हैं, वसवसे और टेंशन आ रहे हैं, आपको इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। JHGIC पता नहीं आप कौन है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप सवाल करें तो आपका नाम लिख दिया करें। मेरे सामने देखिए आपकी आईडी है, मैं क्या समझूँ आप कौन है कौन है। बहरहाल जो भी आप हैं, कहते ये हैं कि मुफ्ती साहब अगर बाथरूम में पानी धीरे धीरे जाता हो और बदन पर मनी लगी हुई हो, तो हम पाइप से नहा रहे हों तो पाइप भी धोना पड़ेगा, और पाइप ज़मीन पर रख दिए जाए, फिर कोई बाल्टी में पाइप डालेगा तो पाइप भरेगा तो बाल्टी भी नापाक हो जाएगी, प्लीज़ डिटेल से जवाब दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई इन कमेंट। पहली बात तो ये है कि कमेंट में हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपने जो सवालात की इतनी लंबी जो लिस्ट बना दी है, ये लिस्ट ही हमको कंफ्यूज कर देती है और आपको भी कंफ्यूज कर रही होगी। इसीलिए कई मरतबा जवाब दिया गया है कि भाई जब आपको एक कपड़ा धोना है और उस पूरे कपड़े के किसी हिस्से पर अगर नापाकी है तो पहले उस नापाकी के दूर करने की फ़िक्र करें। इसी तरह आप गुस्ल कर रहे हैं तो गुस्ल का जो सुन्नत तरीक़ा हमने बतला दिया है, अगर आप उस वीडियो को सुन लेते तो फिर ये कन्फ्यूज़न हमारे सामने खड़ा ना होता। गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब आप फुल बॉडी को धोने से पहले अपने बदन के ऊपर अगर कोई नजासत है, कोई मनी है, कोई ब्लड है, पहले उसको अलग से अच्छी तरह धो लेते हैं तो पूरी बॉडी को आप कहीं से भी धो लीजिए ना, आपके पास मग्गा है, पाइप है, क्या है, शावर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कब? जबकि आप फुल बॉडी को धोने से पहले, पूरा गुस्ल करने के पहले बॉडी के ऊपर जो नजासत लगी है उसको साफ़ कर लें। बस इस तरीके को आप फॉलो करें, बात में जो आपकी ये जो पूरी झड़ी लगी है सवालात की, तो सवालात ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। ज़ैनब का सवाल है, सलाम पेश करती हैं, वालेकुम सलाम, कहती यह है कि हमें ये पूछना था कि अगर कोई शख्स तहारत पेशाब करने टॉयलेट में गया हो और वो जल्दी जल्दी बाहर आ गया हो, तो क्या हम ये शक कर सकते हैं कि उसके कपड़े पे धुलते वक्त पेशाब के छींटे उड़े हुए हैं, अब वो सब जगह बैठे हैं तो हर जगह नापाक हो गई है। भाई आपको क्यों शक करना है?
उसने अपने कपड़ों के ऊपर तहारत की छींटे उड़ा लिए, पानी की छींटे उड़ा लिए, उसके बारे में शक करने वाले हम कौन होते हैं? ठीक है, हमें तो अपनी फ़िक्र करनी है, किसी दूसरे की कोई फ़िक्र नहीं करनी है। वो पाक है नापाक है, वो कहाँ बैठता है, उसकी वजह से कौन सी जगह नापाक होती है, हम इस बात के मुकल्लफ नहीं हैं। हम तो सिर्फ इस बात के मुकल्लफ है कि हम अच्छे हैं या नहीं। अगर हम पाक है, हम तहारत लेते हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। दूसरी चीज़ के वो आदमी कहाँ बैठा है, उस चेयर के ऊपर बैठा है या वो चेयर नापाक हो गई, इस बात के हम मुकल्लफ नहीं हैं। हाँ, अगर वो शख्स वहाँ से उठ गया है और हमें वहाँ पर बैठना है, तो बस हमें देख लेना है कि वहाँ पर नजासत के असरात है या नहीं। अगर नजासत के असरात नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान भी लीजिए वो आदमी गया है बाथरूम से, दो मिनट में आया है, हो गया वो दो मिनट में फारिग। हमारी आदत ये है, हम परेशान हैं, हम OCD के मरीज़ हैं, हम वसवसों के शिकार हैं, और हमें वॉशरूम के अंदर आधा आधा घंटा लग जाता है, तो हम अपने साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर आदमी समझदार होता है, हर आदमी अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखता है, इसलिए किसी के बारे में किसी किस्म के डाउट्स पैदा करने की शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है। मायरा पटेल ने भी सवाल किया है कुर्बानी के ताल्लुक से, कहती हैं कि बकरी है, अच्छा बकरी है, बकरी की कुर्बानी, अच्छा अच्छा मैं बकरी की कुर्बानी कर सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं बकरी न खरीदते हुए भी बड़े जानवर में एक हिस्सा लेती हूँ, तो ये मेरे लिए जायज़ है या नहीं? क्योंकि बकरी अगर ख़रीदूंगी तो 10,000 में मिलेगी, और हिस्सा अगर लूंगी तो 2,000 में काम चल जाएगा। अब अगर मैं बकरी न लूं, सिर्फ हिस्सा लूं, तो मेरी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं, क्योंकि मेरे वहां पर 8,000 रुपये बच रहे हैं? मायरा पटेल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, कुर्बानी आपकी बहरहाल हो जाएगी, चाहे आप बकरी ख़रीदें, बकरा ख़रीदें या फिर हिस्सा लें, तीनों कंडीशन में आपकी कुर्बानी सही हो जाएगी। अब आपका मैथ ये है कि आपके पैसे वहाँ पर बच रहे हैं और यहाँ पर खर्च हो रहे हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। लेकिन याद रखिए कि कुर्बानी के लिए बेहतर और मुनासिब ये है कि हम अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदें, सेहतमंद जानवर ख़रीदें। कीमत का ज़्यादा होना ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि जो कुर्बानी हम कर रहे हैं वो कुर्बानी अच्छी तरह हो जाए। ठीक है, जानवर आपका सेहतमंद हो, अच्छा तगड़ा हो। ज़्यादा अगर आपने पैसा खर्च किया है तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, कम खर्च किया है तो कम सवाब मिलेगा, लेकिन जो कुर्बानी आपकी है ये कुर्बानी दोनों कंडीशन में हो जाएगी, हिस्सा लिया है तब भी हो जाएगी, और अगर जानवर आपने ख़रीदा है तब भी हो जाएगी, मसला कोई नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है अम्मार अंसारी का, अम्मार भाई। अम्मार अंसारी कहते ये हैं कि कुर्बानी किस आदमी पर वाजिब होती है? अच्छा, किस आदमी पर वाजिब होती है, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि कितना पैसा हमारे पास हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। देखिए, साफ साफ मसला ये है कि अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिब है तो कुर्बानी भी वाजिब है। अब ज़कात कब वाजिब है? अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत, 52.5 तोला चांदी आपके पास नहीं होगी शायद, 52.5 तोला चांदी की कीमत आपके पास है, अगर कीमत का आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप हमारे यहाँ के महाराष्ट्र से हैं तो देखिए आजकल जो चांदी का रेट चल रहा है ये कुछ मेरे ख़्याल से 62,000 रुपये, 72,000 रुपये, 73,000 रुपये के कुछ आसपास में है, या फिर 75,000-78,000 रुपये के आसपास में है। तो 52.5 तोला जो चांदी की कीमत होती है आपकी 40,000 से कम और 35,000 से ज़्यादा, हिसाब लगा सकते हैं। 52.5 तोला चांदी आप याद रखिए, 52.5 तोला चांदी आप इसको कैलकुलेट करें, या फिर हमारे जो मार्केट के भाव होते हैं गूगल पर आपको मिल जाएगा आज का रेट क्या है और कल का रेट क्या था, ये आपको मिल जाएगा। तो आप सीधे से क्या कीजिए, गूगल पर जाइए, वहाँ पर लिखिए 52.5 तोला चांदी का रेट आज कितना है, एक तोले का उसमें बतलाएगा, आप उसको 52.5 तोला से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका आप हिसाब निकालिए, कुछ निकलते हैं 38,000, 39,000, 40,000
रुपये निकलते हैं, तो इतनी रकम अगर आपके पास है तो आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। इतनी रकम अगर आपके भाई के पास है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इतनी रकम आपके वालिद के पास है, आपकी वाइफ के पास है, आपकी बहन के पास है, जितने लोगों के पास इतनी इतनी रकमें होंगी या फिर इतनी प्रॉपर्टी होगी, तो फिर हर एक बंदे पर पर्टिकुलर कुर्बानी वाजिब होती है। जो हमारे यहाँ पर रिवाज चल पड़ा है ना, पूरे घर में से सिर्फ एक बंदा कुर्बानी कर लेता है और पूरा घर उस गोश्त को खाता है, तो ये मुनासिब नहीं है। जितने लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है उतने तमाम लोगों को कुर्बानी अदा करना ज़रूरी है। और कब वाजिब होती है तो हमने आपके सामने बतला दिया है। सुमैया का सवाल है, इन्होंने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम, कहती है कि मुफ्ती साहब मुझे बहुत वहम रहते हैं, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए। जहाँ वॉशिंग एरिया मेरी वॉशिंग एरिया है, मैं वहाँ पर कपड़े सुखाती हूँ, तो वो एरिया ऊपर से कपड़े से ढका हुआ होता है। जब बारिश होती है तो उसका जो पानी है वो उड़कर मेरे कपड़ों पर आता है। अब मुझको लगता है कपड़ों पर आता है या वो जो रस्सी होती है जहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ उस रस्सी पर भी गिरता है। तो अब मुझको ये वहम और ये डाउट पैदा होता है कि कहीं घर की छत के ऊपर हराम परिंदे, जिनका गोश्त हलाल नहीं है, वो परिंदे बैठे हों, फिर उनकी बीट वहाँ पर गिरी हो और उन्हीं की बीट को लेकर वो पानी आ रहा हो मेरे धुले हुए कपड़े पर और या मेरी जो रस्सी है उसके ऊपर गिरी हो, तब मैं क्या करूँ। देखिए सुमैया जी, अगर अभी तो देखिए बारिश शुरू हो रही है ना, तो पहले क्या काम कीजिए, आप अपनी छत के ऊपर देख लें, छत के ऊपर देख लें, अगर नापाकी है तो उस नापाकी की सफाई का अहतमाम करें। फिर उसके बाद बारिशें होती रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी बारिश होगी आपके छत के ऊपर का जितना ही पानी है वो परनाले से नीचे गिर जाएगा। फिर वही परनाले का पानी अगर आपके रस्सी पर आपके कपड़े पर गिरता है तो आपको तकलीफ़ नहीं देगा, इसलिए कि अब आपको यकीन हो चुका है कि आपकी जो छत है ये पूरी क्लीन हो चुकी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, फर्स्ट टाइम पानी आपके कपड़े पर या आपकी रस्सी पर गिरा है, तो जब तक आपको नजासत और नापाकी का यकीन नहीं होता है तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको यकीन हो चुका है कि नहीं मेरे कपड़े पर नजासत नज़र आ रही है, वो आपकी जो रस्सी है वहाँ पर नजासत नज़र आ रही है, नजासत की स्मेल हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको इस बात का अहतमाम करना चाहिए कि जिन कपड़ों पर नजासत का यकीन है उनको आप दोबारा धो लें। ठीक है, सलमान कुरैशी कहते हैं कि हमारे पास एक दुकान है जिसको हमने किराए पर लिया है। अब आगे कुछ दिनों तक हमारा इरादा यह है कि उस दुकान को बंद रखें, लेकिन किराया तो हमें उसको देना ही पड़ेगा। तो क्या जब तक हम उस दुकान को उसके मालिक के हवाले न करें तब तक हम किसी और को किराए पर चढ़ा सकते हैं? यानी नहीं भाई, सलमान भाई जिस बंदे ने वो दुकान जो आपको आपके साथ एग्रीमेंट करके आपको किराए पर दिया है, तो वो सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी और के साथ एग्रीमेंट करके दूसरे को किराए पर नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि जो आदमी किराया जो उसका मालिक है ना, वो मालिक सिर्फ आपके साथ राजी है, उसने डील आपके साथ की है, सामने वाले दूसरे बंदे से डील नहीं की है, इसलिए आप दूसरे बंदे को इन्वॉल्व न करें। हाँ, अगर आपको 2-3 महीने यूज़ नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट मालिक को कहे कि भाई मुझको 3 महीने तक कुछ काम यहाँ पर नहीं है, मेरी दुकान बंद रहने वाली है, इसलिए आप कोई दूसरा किराएदार यहाँ पर डाल ले और 3 महीने के बाद मुझको लगेंगी तो वापस मुझको लौटा दे। ये आप डायरेक्ट उस बंदे को मालिक के साथ मिला दे, दरमियान में आप डील ना करें। इसराइल जी कहते हैं, मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इसराइल भाई, इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब क्या अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है? शिर्क तो नहीं है लेकिन बड़ा गुनाह है, शिर्क नहीं है लेकिन गुनाह बड़ा है, इससे बचना है। कसम हमें सिर्फ अल्लाह ताला की खानी है, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने की इजाज़त शरीयत में नहीं है। काफ़ी वक्त हो चुका है लेकिन चलिए सवालात भी है, आखिरी सवाल ले लेते हैं। चलिए आखिरी सवाल है हमारे शाहिद अंसारी साहब वेस्ट बंगाल से, सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, का कहना यह है कि क्या नॉन अटेंडिंग स्कूल में एडमिशन लेना जायज़ है? वैसे तो ये इलीगल माना जाता है क्योंकि स्कूल नहीं जाने पर भी फुल अटेंडेंस मिलता है। हाँ, अगर ये इलीगल है तो फिर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से या फिर वो जो स्कूल मैनेजमेंट है उनका कहना ये है कि हर तालिबे इल्म को अटेंडेंस लगवाना ज़रूरी है, फिर भी आप हाज़िर ना हो और वो जो स्कूल का मैनेजमेंट है या वहाँ के जो टीचर है वो फिर भी आपकी गैर हाज़िरी में आपकी अटेंडेंस ही लगवाते हैं, तो फिर इसके अंदर स्कूल वालों की भी खयानत है, आपकी भी खयानत है। अगर स्कूल का रोल है कि आपको वहाँ पर जाना ही है और आपकी हाज़िरी लगवानी है, तो फिर ये अगर ये फुलफ़िल होता है तब आप ऐसे स्कूल के अंदर दाखिला ले लीजिए, ठीक है। मुझे इस स्कूल में इसलिए एडमिशन चाहिए क्योंकि ऐसे नॉर्मल स्कूल में मॉर्निंग में कुफ्र अल्फाज भी बोलने के लिए टीचर फोर्स करेंगे। अच्छा, जुमे के दिन स्कूल जाना होता है, एग्ज़ाम में भी, नमाज में, ट्रेन से स्कूल जाता हूँ, सेवन्थ स्टेशन होता है और स्कूल है को एडुकेशन और ऊपर से मैं जी के कोचिंग नहीं जा पाता हूँ और जहर की नमाज। सच आपके बहुत सारी मजबूरियाँ हैं और जो उर्दू मीडियम के स्कूल से वहाँ पर आपके माँ पापा एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा जी जी देखिए शाहिद भाई, पहली चीज़ तो ये है कि जब इतनी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पर समझ में आ रही है कि वहाँ पर सुबह में बहुत सारी कुफ्रिया शिरकी अल्फाज भी बोले जाते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में वाले साहब को समझाइए, बतलाइए। ये तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों के दीन की फ़िक्र करें। आप बड़े मुबारकबादी के लायक शाहिद भाई कि आप ख़ुद अपने ईमान की फ़िक्र कर रहे हैं, आपके वालिदैन आपके ईमान की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह तबारक ताला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए, आपको दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके ईमान को पुख्ता फरमाए, आपके वालिदैन को भी समझ अता फरमाए कि आप इतनी अपने दीन के बारे में फ़िक्र कर रहे हैं। वाकईतन शाहिद भाई, मुझको लगता है कि यह आपके मकतब की बरकत है या आपके जो उलमा है, जो आपके महल्ले के इमाम साहब है, उनकी तरबियत के असरात है कि अभी से आप फ़िक्र कर रहे हैं कि मेरे ईमान कैसे महफूज रहे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक काम ये कीजिए कि आपके जो महल्ले के ज़िम्मेदार अमीर साहब होंगे, जमात के अमीर साहब, आलिम साहब व मुफ्ती साहब होंगे, कुछ हाफिज साहब होंगे, उनकी बात आप अपने वालिद से करवाएं, वो इंशाल्लाह उनको समझाएंगे। जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं ना, ये पूरी प्रॉब्लम्स आप एक काम करें, आपके गांव के जो मुफ्ती साहब या जो भी आलिम साहब या इमाम साहब हैं उनके सामने रखें, फिर वो आपके वालिद से मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। आपकी जोहर की नमाज़ के मसले हल हो जाएंगे, इसी तरह आपकी जुमा की नमाज़ के मसाइल हल हो जाएंगे, और इसी तरह जो कुफ्र शिर्क के अल्फाज जो आप वहाँ पर सुनते हैं उन तमाम चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपकी वहाँ पर जो उर्दू मीडियम स्कूल्स है उनमें से किसी एक स्कूल में आपकी हाज़िरी लग जाएंगी, तमाम फितनों से आप महफूज हो जाओगे, और जो उर्दू स्कूल का माहौल है इंशाल्लाह वो दीनी और इस्लामी माहौल होगा, वहाँ पर आपकी अच्छी तरबियत भी होगी। तो हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए सहूलियत पैदा फरमाए, और हमारे जितने नाज़रीन हैं मैं उनसे भी दुआ करता हूँ कि भाई हमारे शाहिद अंसारी साहब के लिए खुसूसी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इनकी एजुकेशन के और एजुकेशन का इंतज़ाम दीनी और इस्लामी तरबियत और माहौल के अंदर पैदा फरमाने के असबाब पैदा करें, ठीक है। इसके अलावा और जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह अगली नशस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाबात ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।